पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर, एज अ रेक्टिफायर यूज किया जाता। अभी रेक्टिफायर क्या होता है, मैंने कहा दिष्टकारी कहते हैं, दिष्टकारी क्या होता है, दिष्टकारी के रूप में। आपसे कोई पूछे कि यार ये दिष्टकारी क्या है, मैंने कहा दिष्टकारी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एसी को डीसी में बदला जाता है सर, और जो युक्ति इसको बदलती है वो दिष्टकारी कहलाता है। एसी को डीसी में बदलने वाला उपकरण या डिवाइस क्या कहलाता है, दिष्टकारी, और प्रक्रिया क्या कहलाती है जी, दिष्टकरण कहलाता है सर। ठीक है, तो हमारे पास है पहला दिष्टकारी जिसको हम बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, अर्ध तरंग दिष्टकारी। मनका जी हां, अर्ध तरंग दिष्टकारी क्या होता है कि अब मान लो कि आपको मोबाइल चार्ज करना है, तो मोबाइल चार्ज करने के लिए ऐसा थोड़ी दो तार लाए और सीधा मोबाइल की पिन में लगा दिया, बीच में एक चार्जर होता है, उस चार्जर में एक ट्रांसफॉर्मर होता है। हमारे घरों में भी लाइट आती है तो क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मर लगा होता है गली के बाहर, वो ट्रांसफॉर्मर 440 वोल्ट को 220 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। यानी कि सर पहली बात ये होगी कि ये तो स्रोत है एसी का, एसी सोर्स का, यहां पे सबसे पहले लगेगा क्या, मैंने कहा जी ट्रांसफॉर्मर लगेगा, ये ट्रांसफॉर्मर का सिंबल होता है, ये ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज रिक्वायर्ड वोल्टेज के बराबर करेगा, फिर दिष्टकारी मैंने कहा ये एक सिंपल डायोड है, और ये यहाँ पे आपका मोबाइल लोड जो भी लगा हुआ है ये ए और बी पर हम क्या लेंगे, आउटपुट लेंगे, ये आपका अर्ध तरंग दिष्टकारी है सर। जब आप एक बार ये वाली पॉजिटिव पल्स देते हो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस में, किसमें हो जाएगा जी, फॉरवर्ड बायस में। अगर फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा तो सर ये धारा को प्रवाहित होने देगा, अरे देगा कि नहीं देगा, सर देगा बिल्कुल, तो धारा ऐसे प्रवाहित होगी सर इसमें, मैंने कहा हाँ धारा ऐसे प्रवाहित होगी। आपने कौन सी पल्स दी अभी, आधी पॉजिटिव साइकिल दिया है भाई, हाफ पॉजिटिव साइकिल के लिए तो बात कर रहे हो ना अभी, तो पहली वाला हाफ पॉजिटिव साइकिल, क्योंकि आपका एसी आ रहा है इधर से चल के। ठीक है सर, तो हमें आउटपुट में भी क्या मिल गया साहब, मैंने कहा आउटपुट में ये मिल गया। अब आपने कहा कि नहीं सर नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या कहानी होगी, तो मैंने कहा देखो नेगेटिव हाफ साइकिल सिर्फ देखते रहो, बड़ी आसान सी कहानी, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो जैसे नेगेटिव करोगे तो आपको नहीं लगता क्या ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, बोलो हाँ सर, तो क्या ये काम करेगा कि बिल्कुल नहीं करेगा, ये ओपन सर्किट की भांति व्यवहार करेगा, खुल जाएगा रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस में खुल जाएगा। तो आपने जो नेगेटिव साइकिल भेजी है अब, तो नेगेटिव साइकिल में ये आउटपुट क्या देगा जी आपको, मैंने कहा आउटपुट क्या देगा, कुछ नहीं देगा, ये लो जीरो आउटपुट देगा नेगेटिव साइकिल के लिए। यानी कि सर अगर आप इनपुट देते हो ये वाला, ठीक है पूरा इनपुट दीजिए इसको, पूरा इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बना के बताता हूं मैं आपको, तो देखिए इधर, ठीक है तो आपका आउटपुट क्या आएगा, मैंने कहा आपका आउटपुट सिर्फ पॉजिटिव साइकिल के लिए है, नेगेटिव के लिए है ही नहीं, ये फिर ये फिर ये। ठीक है, अब एक चीज होती है जिसको बोलते हैं रिपल आवृत्ति और पल्स की आवृत्ति, तरंग की आवृत्ति, मैंने कहा अगर ये कितनी है 100 हर्ट्ज है, कितनी है जी 100 हर्ट्ज तरंग की आवृत्ति, तरंग की आवृत्ति की अलग चीज है और रिपल आवृत्ति अलग चीज है। तो देखिए तरंग की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है, तो तरंग की आवृत्ति क्या होती है, टोटल गिनी जाती है ऊपर और नीचे वाली, तरंग की आवृत्ति में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 100 हर्ट्ज ही रहेगी। क्या रहेगी 100 हर्ट्ज,
नहीं, पल्स की आवृत्ति की बात करते हैं, सॉरी रिपल आवृत्ति की हम बात करते हैं। देखो देखो एक बार देखो, अभी तरंग की आवृत्ति की बाद में बात करेंगे, रिपल फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। रिपल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? रिपल फ्रीक्वेंसी के लिए आपको सिर्फ ऊपर वाली पल्स की आवृत्ति गिननी है। जैसे ऊपर वाले मान लो कि ये 50 हर्ट्स हैं, क्या है जी? 50 हर्ट्स। हाँ, तो आप देखोगे कि इसमें तो आधी हो गई सर, क्या हो गई? आधी, क्योंकि यहां पर ऊपर वाली एक दो तीन है। हाँ, क्या कहते हो? और ऊपर वाली गिनोगे ना इसके अंदर, तो रिपल आवृत्ति क्या हो जाएगी? ऊपर वाली ही गिनी जाती है, नीचे वाली नहीं गिनी जाती है। तो इसमें भी कितनी आई? एक दो तीन। तो रिपल आवृत्ति कितनी हो जाएगी जी? रिपल आवृत्ति हो जाएगी इसमें 50 हर्ट्स। कोई दिक्कत किसी को? रिपल आवृत्ति सिर्फ ऊपर वाली गिनी जाती है, ऊपर वाली पल्स। क्या कहानी, एकदम क्लियर है? ये 50 हर्ट्स हैं, इसमें एक दो तीन पल्स है, इसमें ऊपर भी कितनी? एक दो तीन पल्स है। अब ये होता कि ये 50 हर्ट्स होता है, इसमें और पल्स होती तो इसमें पल्स ऊपर वाली बढ़ जाती, तो ये 100 हर्ट्स भी हो सकती थी। तो बात समझ आ गई, रिपल फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि ऊपर वाली पल्स ही लेनी है। क्या लेनी है? ऊपर वाली। अभी देखिए इसमें कितनी है भाई? भाई इसकी 50 हर्ट्स है। हाँ, अब इसमें ऊपर कितनी है? एक दो तीन। तो इसमें भी कितनी है? एक दो तीन। तो कितनी हो गई? इसकी 50 है तो इसकी भी 50 ही रहेगी। रिपल का मतलब है ऊपर वाली। कौन सी वाली? ऊपर वाली। ठीक है साहब। अब रिपल वाली में, रिपल में क्या है? ऊपर वाली है। ये कौन था सर? ये हाफ वेव रेक्टिफायर था, अर्ध तरंग दृष्टकारी। पूर्ण तरंग दृष्टकारी क्या होगा? मैंने कहा देखिए फुल वेव रेक्टिफायर की बातें करते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर, रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर में कुछ नहीं होता, पूर्ण तरंग दृष्टकारी इसे कहते हैं। और कहानी क्या है जी? मैंने कहा पूर्ण तरंग दृष्टकारी, पूर्ण तरंग दृष्टकारी की अगर मैं बात कर लूं आपसे कि ये क्या कहानी है भाई, मैंने कहा देखो ये और ये ऐसी बात है। मैंने कहा बात तो ऐसी है सर, एक डायोड यहां लगेगा और एक डायोड साहब यहां लगेगा, और आपका आउटपुट यहां से आएगा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस। यह है पूर्ण तरंग डायोड, पूर्ण तरंग दृष्टकारी। दो डायोड होते हैं साहब, इनपुट पल्स हम डालेंगे पॉजिटिव पल्स के लिए, प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। तो ये तो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा जी। हाँ, ये रिवर्स बायस हो जाएगा। तो होगा क्या? मैंने कहा बस इसका डायग्राम बना रहा हूं, देखो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। हाँ, और ये ओपन सर्किट हो जाएगा सर। तो धारा बहेगी सर इधर, यानी कि पी से क्यू की तरफ, इधर बही ना पी से क्यू की तरफ। तो आपको आउटपुट मिल गया साहब, मैंने कहा ये मिला आउटपुट देखो। अब आपने कहा कि सर ये पॉजिटिव साइकिल के लिए बात करी आपने, नेगेटिव साइकिल के लिए क्या बात होती? मैंने कहा देखो ये नेगेटिव साइकिल होती, ये आपका इनपुट दो भाई, दो 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 इनपुट दे दिया सर, लो लो लो। मैंने कहा ये लो सर, ये लो सर, ये लो भाई, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो यार ये तो हो जाता फॉरवर्ड बायस में, देखो ये पॉजिटिव है नेगेटिव। हाँ या ना? ये रिवर्स बायस में हो जाता, क्या ऊपर वाला खुल जाता और नीचे वाला बंद हो जाता? क्या कहते हो यार? ऊपर वाले को खोल दो, अब पहले ऊपर वाला बंद किया था, नीचे वाला खोला था, अब ऊपर वाले को खोलेंगे, नीचे वाले को बंद करेंगे। ये लो सर, मैंने कहा ये लो। अब क्या होगा सर? ऐसे धारा बहेगी, पर धारा की दिशा अभी बदली नहीं सर, अभी भी पी से क्यू की तरफ है, धारा ऐसे बहेगी। तो मैंने कहा आउटपुट कैसे मिलेगा? आउटपुट सर ऐसे ही मिलेगा जैसे पहले मिल रहा था। यानी कि सर कोई हमसे ये बात कहे कि इनपुट ये है हमारे पास, हाँ ये इनपुट है, तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बनेगी? मैंने कहा आउटपुट ये और ये। नहीं आया? आया सर। मैंने कहा अगर इसकी जो आवृत्ति है रिपल, रिपल फ्रीक्वेंसी, रिपल आवृत्ति कितनी है जी? मैंने कहा 50।
कितने, एक और दो, उसमें चार हैं, डबल हो गए हैं, तो इसकी आवृत्ति डबल हो जाएगी। ऊपर वाली लेते हैं सर, कि आपको बात समझ में आ गई है क्या, पक्की बात है, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका फुल वेव रेक्टिफायर। अब ये क्या डीसी बन गया? मैंने कहा हाँ ये वेरिएबल डीसी, इसके बाद फिल्टर विल्टर लगाए जाते हैं और कांस्टेंट डीसी में बदला जाता है। अब बात ये करते हैं सर, मैंने कहा क्या, मैंने कहा ब्रिज रेक्टिफायर की बात करते हैं। सेतु दिष्टकारी, कौन सा दिष्टकारी? सेतु दिष्टकारी, दुष्ट नहीं है ये, दिष्टकारी है जी। ब्रिज वेव रेक्टिफायर, ब्रिज वेव रेक्टिफायर कुछ नहीं है, देखो अच्छा लगेगा तुम्हें। अब कहानी क्या हुई, मैंने कहा ब्रिज वेव रेक्टिफायर ऐसे, आपने देखा वीट स्टोन ब्रिज की, देखा तो है सर, मैंने कहा देखो फिर, देखते ही रहोगे नहीं तो, लाओ सर दिखाओ, मैंने कहा देखते रहो बस अभी। ये ऐसे चार क्या लगे होते हैं, मैंने कहा चार लगे होते हैं, ये कि हाँ सर, और दो के साथ क्या किया जाता है, दो से आउटपुट लिया जाता है ऐसे, यहां आउटपुट है। अब आप क्या करो कि इनपुट आउटपुट पल्स डालो, मैंने कहा ये लो। अब आप देखोगे बड़े मजे की बात होगी यहां पे, मैंने कहा ये D1, ये D2, ये D3 और ये D4, इसको प्लस और इसको माइनस, पॉजिटिव साइकिल के लिए, तो सर ये प्लस हो जाएगा, मैंने कहा हाँ, और ये माइनस हो जाएगा, हाँ सर। अब आप देखो इसमें गड़बड़ हो गई कि क्या, मैंने कहा ये तो सारे चमत्कारी हो गए कि कैसे सर, मैंने कहा इसको जोड़ने का तरीका गलत कर दिया है, इसको ऐसे जोड़ो, ऐसे जोड़ दिए तो चमत्कार हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कौन सा फॉरवर्ड में आएगा कौन सा रिवर्स में आएगा। आ ही नहीं रहा सर, मैंने कहा आएगा, रुको मैं लाऊंगा, टेंशन मत लो, ये देखो, ध्यान रहे कि ये अपनी अपनी तरफ देख रहे हैं, इनको लगाते टाइम, ऐसे डायग्राम कोई नहीं बनवाएगा आपसे, यहाँ जोड़ दो इनको ऐसे, हाँ ऐसे जुड़ेगा और आउटपुट इनके अक्रॉस लिया जाएगा, सबकी अपनी अपनी कॉन्फ़िगरेशन होती है भाई। अब आप देखो कि ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, हाँ, तो आप क्या देख पा रहे हो, मनका जी क्या देख पा रहे हैं, कि ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस में, हाँ, और ये भी हो जाएगा फॉरवर्ड बायस में, आमने सामने के दो फॉरवर्ड बायस में हो जाएंगे, कि बिल्कुल सर, ये रिवर्स बायस में हो जाएंगे दोनों, किस में हो जाएंगे जी, रिवर्स बायस में, तो आउटपुट आपका कैसे जाएगा, मैंने कहा ऐसे, ये सीन बनेगा देखो आउटपुट का, देखना पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, ये शॉर्ट हो जाएगा, यहां से जाएगी धारा ऐसे, फिर ऐसे, और ये निकल के ऐसे आ जाएगी, यानी कि आपका आउटपुट मिल गया जी ये। आपने कहा जी साहब नेगेटिव आप साइकिल की बात करो, तो मैंने कहा इसी में कर लूंगा, कलर मेरे पास बहुत सारे हैं, ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो गया, हाँ सर, तो ये तो उड़ गया भाई, ये फॉरवर्ड में हो गया और ये किस में हो गया, फॉरवर्ड में, हाँ सर। तो अब आप देख पाओगे कि ये फॉरवर्ड में है, हाँ, और ये किस में है, ये वाला भी फॉरवर्ड में है, देख पा रहे हो कि हाँ सर, तो आप देखो ये फॉरवर्ड में हो गया और ये भी फॉरवर्ड में हो गया, कौन सा वाला, देखो ये वाला, ये जाएगा ना ये पॉजिटिव से, तो यहां से यूं जाएगी धारा और वापस यूं निकल जाएगी, अब उल्टा है ना, तो दोनों डायरेक्शन धारा की सेम आ रही है, तो ये होगा, क्या कहते हो, बात समझ आई, या अलग अलग डायग्राम बना के समझाऊं, अलग अलग डायग्राम से सीखोगे तब भी देखो, ये तो हो गया फॉरवर्ड बायसिंग के लिए, अब देखो ये खुल गयो, मैं अलग अलग डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए, टेंशन मत लो,
ये लो भाई। हाँ सर, मैंने कहा ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, ये ओपन, हाँ यो भी ओपन सर, हाँ और ये बंद सर। ठीक है, आउटपुट आपने यहाँ से लेना है, हाँ सर, और इनपुट आपने यहाँ देना है। मैंने कहा हाँ सर। अब देखो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है साहब। मैंने कहा हाँ सर, ये पॉजिटिव है और यो नेगेटिव है साहब। तो मैंने कहा जी यो इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, फिर इधर और फिर ये इधर। ठीक है, पर यही बात अगर नेगेटिव की कर लेते, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, तो क्या खेल होता भाई। ये फॉरवर्ड बायस में हो गए ना दोनों, प्लस और ये माइनस। देखो ये फॉरवर्ड में, ये भी फॉरवर्ड में, तो ये शॉर्ट हो जाएंगे। और फिर जब आप रिवर्स की बात करोगे तो ये शॉर्ट हो जाएगा और ये दोनों ओपन हो जाएंगे। बात समझ आ रही है। रिपल फ्रीक्वेंसी वही रहेगी जैसा फुल वेव रेक्टिफायर में है। ये भी फुल वेव रेक्टिफायर था, वो भी क्या था, फुल वेव रेक्टिफायर था। कोई तकलीफ नहीं है। तो ये हो गया अपना क्या, पीएन जंक्शन डायोड के उपयोग हमने देख लिए।